नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में सीएम ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, अचानक आरजेडी ऑफिस पहुंचे तेजस्वी, बड़ी बैठक शुरू। लालू यादव को भारत रत्न की मांग पर भड़के विजय सिन्हा, सीढ़ी से गिरी मंत्री लेसी सिंह, कमर हाथ में गंभीर चोट। पटना पहुंची भाकपा माले की बदलो बिहार न्याय यात्रा, बिहार में खत्म हो शराबबंदी, कांग्रेस विधायक बोले। जेई से बदसलूकी मामले में पीके के नेता गिरफ्तार, जम्मू में शिक्षकों के साथ मारपीट करने वाले गिरफ्तार। बीएसएफ की तैयारी कर रहे युवक का मर्डर, मचा हड़कंप। दिवाली तक बिहार में दिखेगा दाना तूफान का असर। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ महापर्व को लेकर घाटों का निरीक्षण करने के लिए दानापुर पहुंचे। नासरीगंज घाट का सीएम ने निरीक्षण किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम नासरीगंज घाट से गया घाट तक गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि व्रतियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जाए। छठ व्रतियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घाटों का निर्माण करें। गंगा नदी के जलस्तर एवं प्रवाह को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा। वहीं सीएम ने पथ एवं गंगा नदी के किनारे सड़कों के पास भी आवागमन के लिए बैरिकेटिंग करना सुनिश्चित करें। व्रतियों की सुरक्षा के साथ साथ उनको हर हालत में हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अचानक राजद कार्यालय पहुंचे। राजद कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी बड़ी बैठक किए। तेजस्वी यादव बिहार के 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक किए। तेजस्वी इन दोनों ही चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन को जीत दर्ज दिलाने की रणनीति बना रहे हैं। तेजस्वी यादव आज ही झारखंड से वापस आए। झारखंड से आते ही तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक बुला ली। वहीं पार्टी दफ्तर के बाहर तेजस्वी यादव ने झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में महागठबंधन की जीत होगी। और एक बार फिर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अब सीएम नीतीश का समय खत्म हो गया है, सीएम से बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जमकर पलटवार किया है। मुजफ्फरपुर में 20 सूत्री की बैठक में शामिल होने आए उप मुख्यमंत्री ने राजद सुप्रीमो के लिए भारत रत्न की मांग पर चुटकी लेते हुए कहा कि लालू यादव जंगल राज के पुधोरा और भ्रष्टाचार के मसीहा है। उनके कारण हमारे राज्य के लोग दूसरे राज्यों में शर्मिंदा होते हैं। ऐसे लोगों के लिए भारत रत्न मांग करने वालों को शर्म आनी चाहिए। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में भारत रत्न पाने योग्य दर्जनों नाम है जिन्होंने अपने खून पसीने से राज्य को सींचा है, लेकिन जंगल राज के पुधोरा और भ्रष्टाचार के मसीहा लालू यादव को न्यायालय ने सजा दी है। ऐसे व्यक्ति के लिए भारत रत्न की मांग राजद के लोग ही कर सकते हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि लालू यादव बिहार के ऐसे रत्न हैं जिनके कारण लोगों को राज्य के बाहर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, जिनसे जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर बिहार को बर्बाद कर दिया और हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण जैसे अपराधों को बढ़ावा दिया। ऐसे नेता लालू यादव पर गर्व करने वालों के लिए मुझे कुछ नहीं कहना। बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह आज पूर्णिया में एक स्कूल के निरीक्षण के दौरान सीढ़ी से गिर गई। उन्हें कमर और हाथ में गंभीर चोट आई है। पूर्णिया के ही लाइन बाजार इलाके में उम्मीद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। अभी वो आईसीयू में है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने फोन पर हालचाल जाना है। 3 बजे लेसी सिंह को बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस से पटना लाया गया। लेसी सिंह पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा से विधायक हैं और वर्तमान में जदयू कोटे में बिहार सरकार में उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं। जदयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने बताया कि आज जिला स्कूल के प्रभारी मंत्री विजय चौधरी का सुबह 10 बजे कार्यक्रम था। इसी को लेकर मंत्री लेसी सिंह प्रभारी मंत्री के साथ पहुंची थी। आज सुबह 11 बजे कार्यक्रम खत्म होने के बाद लेसी सिंह प्रभारी मंत्री विजय चौधरी के साथ डीएम ऑफिस में आयोजित समीक्षा बैठक करने के लिए निकल रही थी। इसी दौरान सीढ़ियों से वो फिसल गई। भाकपा माले की बदलो बिहार न्याय यात्रा आज नवादा से पटना पहुंची। इस मौके पर चितकोहरा गुलंबर पर जगदेव प्रसाद की मूर्ति पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने माल्यार्पण किया। उन्होंने स्मार्ट मीटर और लैंड सर्वे को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि यह यात्रा
बिहार के शोषित वर्ग दलितों और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए है। हमारे साथी प्रतिदिन 500 किलोमीटर चल रहे हैं, बिहार के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। NRC को लेकर असम में जो स्थिति पैदा हुई है, ठीक उसी प्रकार से बिहार में भूमि सर्वे से लोग परेशान हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्मार्ट मीटर का भी यही हाल है, पहले एक माह में जितना बिल आता था अब 7 दिन में उतना खर्च हो रहा है। दिल्ली पंजाब के तर्ज पर बिहार में भी किसानों और गरीब जनता को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलना चाहिए। CM नीतीश कुमार ने 2 लाख आर्थिक मदद की बात कही थी, लेकिन 1 लाख रुपए भी नहीं मिले। भागलपुर से कांग्रेस पार्टी के विधायक अजित शर्मा ने शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि आखिर यह जहरीली शराब क्यों बिक रही है, पदाधिकारी क्यों शराब माफियाओं से मिले हुए हैं, शराबबंदी होने के बावजूद जहरीली शराब आ रही है और मौतें हो रही हैं, इस मौत का जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि अगर नीतीश कुमार अधिकारियों पर नकेल कसकर शराबबंदी लागू नहीं करवा सकते तो फिर शराबबंदी क्यों लागू है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार या तो शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए या फिर शराब की कीमत को 2x-3x करके प्रदेश में बेचना चाहिए। अजित शर्मा ने कहा कि ज़्यादा कीमत पर शराब बेचने के बाद उसी पैसे से बिहार का विकास कीजिए और गरीबों का भलाई कीजिए। बेतिया में स्मार्ट मीटर लगाने गए JEE के साथ धक्का मुक्की करने और बंधक बनाने के मामले में पुलिस जनसुराज पार्टी के एक बड़े नेता को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे पूछताछ के बाद शनिवार को न्यायालय भेज दिया। सदर SDPO 1 विवेक दीप ने बताया कि राजकिशोर चौधरी ने अपने अन्य सहयोगी के साथ मिलकर बिजली विभाग के कर्मियों से दुर्व्यवहार किया था। स्मार्ट मीटर लगाने गए JEE के साथ धक्का मुक्की भी की गई थी, JEE को बंधक बनाने का भी प्रयास किया गया था। घटना को लेकर कुमारबाग के JEE राकेश कुमार के आवेदन पे जोकहा गांव निवासी राजकिशोर चौधरी एवं उनके पुत्र साहिल चौधरी के विरुद्ध FIR दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सौरभ सुमन के निर्देश पे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया था। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजकिशोर चौधरी को गिरफ्तार कर ली है। वहीं फरार साहिल चौधरी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दरअसल पूरा मामला जिले के मनुआपुल थाना क्षेत्र के मेहंदिया बारी चौक की है। घटना का वीडियो भी सामने आया था। जमुई में बीते दिन मंगलवार को बसंतपुर हाई स्कूल में शिक्षकों से हुई मारपीट के बाद जमुई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में आरोपित 2 अभियुक्तों को जमुई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस बड़ी घटना के बाद जमुई SP चंद्र प्रकाश ने एक SIT का गठन किया था, जिसके फलस्वरूप जमुई पुलिस ने SIT टीम ने घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश यादव उर्फ चुटरी एवं अर्जुन पंडित के रूप में की गई है। बाकी के बचे अपराधियों को लेकर जमुई पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जल्द ही बचे अपराधियों को भी जमुई पुलिस गिरफ्तार कर लेने का दावा कर रही है। जमुई के समुलतला थाना क्षेत्र के लाहाबन उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसंतपुर में रंगदारी नहीं देने पर शिक्षकों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद ACS एस सिद्धार्थ शिक्षकों से मुलाकात कर उनकी हालत जाना था। साथ ही उन्होंने SP से बात कर इस मामले में सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। गोपालगंज के जादवपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने 21 अक्टूबर को 3 दोस्तों पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें एक युवक की शनिवार को गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान बिट्टू कुमार के रूप में हुई है और 5 भाइयों में चौथे स्थान पर था। बिट्टू BSF की तैयारी कर रहा था। मौत की सूचना ग्रामीणों को मिली, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान 3 घंटे तक यातायात ठप रहा। इसके साथ ही ग्रामीणों ने थाने का भी घेराव किया। 3 थानों की पुलिस पहुंची, फिर आक्रोशितों को समझाकर शांत कराया गया। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान दाना अब भले ही कमजोर पड़ गया है, लेकिन बिहार में इसका असर दिवाली यानी 31 अक्टूबर तक दिखेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे। 28 अक्टूबर तक राज्य के दक्षिणी पूर्व इलाके मुंगेर बांका कैमूर में हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी। शनिवार को भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी होगी। तूफान के कारण शुक्रवार को भागलपुर कटिहार किशनगंज पूर्णिया अररिया और मुंगेर के 1-2 स्थानों पर झमाझम बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश भागलपुर 11 mm दर्ज की गई, वहीं कटिहार में 7 mm बारिश के रिकॉर्ड दर्ज किए गए। इससे राज्य के अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के 19 जिलों में बादल छाए रहेंगे। इन जिलों में नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, गया, नवादा, लखीसराय, जमुई, बांका, मुंगेर,
बेगूसराय, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, अररिया, किशनगंज शामिल हैं। यहां 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी।